शादी नहीं हो रही सोचकर परेशान नहीं होइए, अगली पूर्णिमा का इंतजार कीजिए, यानी कि होली वाले दिन का इंतजार कीजिए। आप किसी भी पूर्णिमा को नीली एक चीज के साथ, यानी कि एक नीले हैंकरचिफ के साथ अपनी शादी की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। आपको ऐसे ही ढेर सारे अचूक उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको बचना जरूरी है। आजकल आप देखेंगे कि यंगस्टर्स टोन जीन्स, टेपर जीन्स पहनते हैं, यानी कि फटी हुई जीन्स पहनते हैं, फैशन है, लेकिन फेंगशुई में ये अच्छा नहीं माना जाता। फेंगशुई के मुताबिक ये कहा जाता है कि फटे हुए कपड़ा बैड लक लेकर आता है। यही नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी में भी इस चीज़ को देखा गया है कि जब किसी इंसान का जेल का योग होता है या बुरा वक्त होता है या शनि और राहु तंग करते हैं तो बोलते हैं जाली वाले कपड़े नहीं पहनो, फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनो। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं ये कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसलिए फैशनेबल होना तो अच्छी बात है, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो ये फैशन अवॉइड कीजिएगा। इसीलिए फटे हुए कपड़े पहनना, छिजे हुए कपड़े पहनना या फिर छेद वाले कपड़े पहनना दरिद्रता यानी कि पावर्टी को न्योता देता है। ये सिर्फ बाहर आपकी पॉजिटिविटी को लेकर जाता है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। वंस इन अ वाइल आप कभी कभी पहने कोई बात नहीं, लेकिन इसको रिचुअल फॉर्म में या रेगुलरली कम से कम पहने। अगर आप घर से ही काम करते हैं या अगर आप घर पर ही काम करते हैं तो घर पर भी बहुत ज़्यादा पुराने फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। गर्मी का मौसम आ जाता है, बहुत अच्छे घरों के भी लोग कई बार फटे हुए कपड़े होते हैं स्पेशली अंडर आर्म के एरिया से पहन लेते हैं कि हमें इसमें आराम लगता है, खुला खुला लगता है। ऐसे फटे हुए कपड़े आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा जब आप रोज़ाना सुबह उठें तो आपको सबसे पहले अपनी नाइट ड्रेस को उतार कर कुछ अच्छा इस तरीके से प्रॉपर पहनना चाहिए जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, सूदिंग लगे। ऐसा करने से आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाएंगे और आपको ऐसा रोज़ाना करने पर लगेगा कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा गुड लक आ गया है। आप अपने दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छी स्माइल और साफ सुथरे कपड़ों के साथ करें। इतना ही नहीं, कपड़ों को धोने के बाद भी उन्हें हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, इससे उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। सनरेज जो है वो आपके यहाँ के सारे बैक्टीरियाज को मारती हैं और चीज़ों को पॉजिटिविटी से भर देती हैं। सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद अब सर्दियों के कपड़े रखने का टाइम आ गया है। कई लोग रख चुके होंगे, कई लोग रखने की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सर्दी में कपड़ों को कई महीने तक एकदम हम छोड़ देते हैं, पर उनको रखने का सही तरीका क्या है ताकि जब आप खोलें तो आपके कपड़े फ्रेश हों। ये तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी जल्दी शादी का उपाय बताते हैं क्योंकि पूर्णिमा जो आ गई। चलिए आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं। जल्दी शादी के लिए आपको क्या करना है? अगर पूर्णिमा पर ये उपाय करेंगे तो आपकी शादी जल्दी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, कई बार तो ये लोग काफ़ी निराश भी हो जाते हैं, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फुल मून नाइट के अवसर पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फुल मून नाइट पे आप गरीबों को अपने सामर्थ्य के हिसाब से पीले फल जैसे आम, बनाना वगैरह दान करें। इस दिन नया पीला रुमाल अपने साथ ज़रूर रखें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाएं। लड्डू के साथ साथ आप सहरे की कलगी जो होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। मेल्स ये उपाय करें, इससे जल्दी शादी का योग खुलता है। आपको एक और उपाय बताते हैं, केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन खाने में केसर को ज़रूर यूटिलाइज करें और केसर का तिलक भी लगाएं। ज़रूरतमंद लोगों को पीले कपड़ों का दान करें। आप गुरु बृहस्पति यानी कि थर्सडे का दिन जो होता है वो बृहस्पति का दिन होता है, इस दिन मंदिर जाएं, पीले फल फूल उनके आगे अर्पित करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 किलो चने की दाल के साथ सोने की कोई चीज़, अगर सोना नहीं देना चाहते हैं तो आप हल्दी की गांठ भी दे सकते हैं। और अगर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो ज़रूरतमंद को इसका दान करें। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो फिर ये जो सामान है ये भी आपको किसी ज़रूरतमंद लड़की को ही देना है।